मैं रसगुल्ला कैमरामैन जलेबी देवी के साथ आप सबका बुड़बक खबरों में हार्दिक अपमान करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बासी खबरों के साथ। आज सुबह घने कोहरे की वजह से एक बाइक सवार युवक की एक मच्छर के साथ भयानक भिड़त हो गई, जिसके कारण बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है वो मच्छर 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा था और उसने लोगों का खून भी पी रखा था। और पुलिस मौके वारदात पर जब तक पहुंची तब तक मच्छर फरार हो चुका था। और पुलिस ने फिर घटना स्थल पर खड़े लोगों से पूछकर उस दरिंदे का स्केच तैयार करवाया है। तो बुड़बक खबरें लाई है सबसे पहले उस दरिंदे का फोटो। तो दिल थाम के बैठ जाइए देशवासियों, वरना आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। बच्चे इस खबर से दूर रहे, वरना उनको मलेरिया हो सकता है। तो देखिए इसकी बोली शकल को, शकल से मासूम दिखने वाला ये मच्छर अभी तक दो हेलीकॉप्टर, एक बुलडोजर और चार बाइक सवारों को मारकर फरार हो चुका है। और पुलिस इसकी तलाश हर कुल्डी पर, हर खेड़ में, हर नाली में कर रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। अगर ये दरिंदा आपको कहीं दिखाई दे तो आप हमको 800 नहीं मिले तो रोता फिरो पर फोन करके बता सकते हैं या ताली मार के मार सकते हैं उसको। अब चलिए बढ़ते हैं खेल समाचार की ओर। काल दोपहरा शाम 7 बजे घंटाघर का ऊपर पंडितपुर और खाड़ियाबाज के बीच कबड्डी का मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने खेल भावना दिखाते हुए आपसरी में जोड़ कर लिया और दोनों गुत्थम गुत्थी हो गए। फिर उनको छुड़ाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। और लास्ट में खबर जरा हटके, सुनना जरा डटके, ये लगाते हैं बिजली के झटके। आप देख रहे हैं ये बल्ब है, इसका मेरे पास कोई ऐसा तारतूर नहीं है जिससे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इधर आ जाओ, मैं देखो मेरे पास कोई तारतूर नहीं है, अभी लाइन में कुछ है, मैं ऐसे देखो आप इसमें भी कुछ बटन बटन कुछ नहीं है, इसका का सिर्फ बल्ब है। आप देख रहे हो इसका बल्ब है, ये देखो मैं इसको ऑन करता हूँ, इतनी पावर है मेरे, ये देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ उंगली सी उंगली रख रखी है, ये जग रहा है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास, ये देख लो। पता नहीं इनके हाथ में क्या जादू है, सरकार भी अब इनसे अपना हाथ मांगने वाली है। और अब जहां भी लाइट जाती है तो लोग उनको तुरंत फोन करके बुला लेते हैं और अपना लोटिया जगा लेते हैं। और अंत में हम आपको ये बता देते हैं, आप जब भी इनसे मिलें तो इनसे 2 किलोमीटर की दूरी बनाए रखें, वरना ये आपको भी झटके लगा सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी खबरों को यहीं शुरू करते हैं। धन्यवाद, मत बोलिएगा।